मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आज का टॉपिक है मिट्टी से संबंधित प्रश्नोत्तरी और आज हमारा MPGK का 10वां सेशन है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी कछारी मिट्टी और डी मिश्रित मिट्टी। इसका सही आंसर है ए काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए चूने के कारण, बी लोहे के कारण, सी कार्बन के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए चूने के कारण। काली मिट्टी का काला रंग चूने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है ए बघेलखंड, बी रीवा पन्ना का पठार, सी बुंदेलखंड एवं डी सतपुड़ा का पठार। इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड है। क्वेश्चन नंबर 4, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है ए भूकंप से, बी ज्वालामुखी उद्गार से, सी बाढ़ द्वारा एवं डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी। कछारी मिट्टी का निर्माण बाढ़ द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि अर्थात बेडलैंड परिणाम है ए अवनालिका अपरदन का, बी परत अपरदन का, सी अतिचारण का एवं डी वायु अपरदन का। इसका सही आंसर है ए। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि अवनालिका अपरदन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए रेगुर, बी बांगर, सी खादर एवं डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? ऑप्शन है ए समुद्री मिट्टी, बी लाल एवं पीली मिट्टी, सी काली मिट्टी एवं डी कछारी मिट्टी। इसका सही आंसर है सी। मालवा का पठार काली मिट्टी से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए शुष्क मृदा, बी लाल मृदा, सी लैटराइट मृदा एवं डी काली मृदा। तो इसका सही आंसर है ए शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या है? ऑप्शन है ए जबलपुर, बी भोपाल, सी मुरैना एवं डी खंडवा। इसका सही आंसर है सी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मृदा अपरदन की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिट्टी के अपक्षरण को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है मृदा ह्यूमस, बी मृदा संरक्षण, सी रेंगती हुई मृत्यु एवं डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी। मिट्टी के अपक्षरण को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।